गांव में लोगों के पास पहुंचाने के लिए लाखों की लागत से हाल ही में अपनी योजना के तहत बनाई गई पेयजल टंकी जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नवनिर्मित टंकी की हालत इस कदर बद से बदतर हो गई है कि टंकी से पानी के जगह जगह से रिसाव हो रहा है। पानी की बूंदे से टपकती रहती है जिसके कारण टंकी के नीचे सफेद लवण जमा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नवनिर्मित पेयजल टंकी के निर्माण में ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पहले से ही पेयजल की गंभीर समस्या थी, परंतु आपने योजना की टंकी के निर्माण से ग्रामीणों को पेयजल के लिए राहत की उम्मीद बंधी थी, जो घटिया निर्माण के चलते धूमिल हो गई है। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में पेयजल के लिए लाखों की योजना आज फेल हो गई तथा ग्रामीणों को पेयजल के लिए यूं ही दो चार होना पड़ रहा है। गांव के रहवासियों ने शीघ्र गांव की पेयजल व्यवस्था बनाए रखने और करवाए जाने की सुधार करवाए जाने की मांग की है।